Yamti Deva Vrata Devan. Trunyanti Pratibhrataha Bhutaniyanti Bhutejjaha Yanti Madhya Jinopima Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati Tadaham Bhaktyupahrutam Ashnami Prayatatmanaha Yakkaroshi Yadashnasi Yajjuhosi Dadhasi Yat Yat Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Madharpanam Shubha Shubha Phalai Revam Mokshase Karma Bandhanaihi Sanyasa Yoga Yuktatma Vimuktaha Maam Upaishyasi Samoham Sarva Bhuteshu Name Dveshyosti Napriyaha Ye Bhajanti Tumam Bhaktya Maite Te Shuchapyaham Samoham Sarva Bhuteshu Name Dveshyosti Napriyaha Ye Bhajanti Tumam Bhaktya Maite Te Shuchapyaham Ragadveshavantarhi Bhagavan Yato Bhaktan Anukrunhati Na Itaran Iti Tanna Samaha Tulyaha Aham Sarvabhuteshu Na Me Dveshyasti Na Priyaha Agni Vat Aham Durasthanam Yatha Agnihi Shitam Na Apanayati Samipam Upasarpatam Apanayati Tatha Aham Bhaktan Anugunhami Na Itaran Ye Bhajanti Tumam Ishwaram Bhaktya Maite Svabhavata Eva Na Mamaraga Nimittam Mai Vartante Te Shucha Piyaham Svabhavata Eva Varte Na Itareshu Na Etavata Te Shu Dveshu Mama So, Yanti Madhya Jinopi Maam Vimuktah Maam Upaishyasi Bhagavan ne Bhakt ke liye Madhya Ji ke liye
ये वचन कहे हैं कि जो प्रभु का शरणागत है, उनका निरंतर यजन करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम इस प्रक्रिया से, और फिर यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि, जीवन को पूरी तरह से जिसने प्रभु में संन्यस्त कर दिया, संन्यास योग युक्तात्मा यह भक्तः संन्यास योग युक्तात्मा है, न्यासः, न्यास माने होता है रखना, सम्यक रूपेण न्यासः कृतः येन स संन्यासी। संन्यास एव योगः, संन्यास योगः, रख देने का नाम ही संन्यास योग है। क्या रख दिया, कहाँ रख दिया? बोले जीवन को रख दिया भगवान में, कर्म को रख दिया प्रभु में, भोग को रख दिया प्रभु में, वैदिक कर्म को रख दिया प्रभु में, दान तपस्या को रख दिया प्रभु में। बस ये सन्यासी का जो शुभ्रतम स्वरूप है वो यही है। करोषि, अस्नासि, जुहोषि, ददासि, तपस्यसि, तत्सर्वं मद अर्पणं कुरु, यह करोति इति स सन्यासी। यह ईदृशं सन्यासं कर्तुं शक्नोति अथवा कर्तुं प्रयतते, कर्तुं प्रयत्नं करोति, आयासं करोति, अभ्यासं करोति, सः अपि सापेक्ष भावेन सन्यासी। किंतु पारमार्थिकस्तु सैव, यह सन्यासं कर्तुं स्वभावतः शक्नोति, निरायासेन ईदृशं सन्यासं कर्तुं शक्नोति, सः एव महापुरुषः, शास्त्रेषु सन्यासी इति उच्यते। सुन्यासं कर्तव्यं, न्यास एव अतिरेचयेत्। श्रुति बोलती है सन्यास ही सबसे ऊपर है, न्यास एव अतिरेचयेत्। समस्त कर्मों के समर्पण का, समस्त भोगों के समर्पण का एक अभिप्राय होता है कर्तृत्व का समर्पण, भोक्तृत्व का समर्पण। एक एक कर्म का समर्पण करने के स्थान पर कर्तृत्व का ही जब प्रभु में विसर्जन हो जाए, भोक्तृत्व का ही प्रभु में विसर्जन हो जाए, तो यह जो विसर्जन है वो पारमार्थिक सन्यास है, सन्यास की उच्चतम स्थिति है। ये भावना के द्वारा नहीं, प्रमा के द्वारा होती है। जब प्रमाता को, ये प्रमाता वही है जो ज्ञाता है, जो करता है, जो भोगता है, जिसको हम अहम बोलते हैं, जो अंतःकरणाभिमानी है, जो कार्यकरण संघाताभिमानी है,
वही यह प्रमाता है। यह प्रमाता जब प्रमाण व्यापार के द्वारा इस प्रमा को प्राप्त कर लेता है, इस बोध को प्राप्त कर लेता है कि अंतःकरण माइक है, बहिर्करण माइक है, कार्य संघात माइक है, निर्विकार चेतन से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी निर्विकार चेतन पर सत्व रजस तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। इसी निर्विकार ब्रह्म पर अनिर्वचनीय रूप से इन त्रिगुणों की स्थिति है। अनिर्वचनीयता इसलिए क्योंकि चित दृष्टि से नहीं है, जगत दृष्टि से यह है एवं तस्मात् अनिर्वचनीयता मायायाः। माया की अनिर्वचनीयता केवल यही है, समझे मिथ्या सोपी। मिथ्या है, वास्तव में नहीं है चित दृष्टि से, इसलिए सद्रूपेण निर्वचनम कर्तुम न शक्नोति कोपि, किंतु जगत दृष्ट्या अस्ति एव कारण रूपा माया, सूयते सचराचरम। सो जगत दृष्ट्या अस्ति एव, तस्मात् असद्रूपेण निर्वचनम कर्तुम न शक्नोति कोपि कश्चिदपि, न सद्रूपेण निर्वचनम कर्तुम शक्नोति न तु असद्रूपेण निर्वचनम कर्तुम शक्नोति, तस्मात् सा माया अनिर्वचनीया। तस्मादेव निर्वचनम कर्तुम न शक्यते, तस्माद् एव सा अनिर्वचनीया। सा माया अस्य जगतः कारणा कारणम्। सो सा माया एव अंतःकरणस्य कारणम्, सा माया एव संघातस्य कारणम्। तस्मात् कार्यकरण संघातः माइकः। अंतःकरणस्य वृत्तयः अपि माइकाः। एवं जागृति कश्चित् ज्ञानी, एवं कश्चित् बोधे एव तिष्ठति। अंतःकरणं माइकम्, अंतःकरणस्य वृत्तयः अपि माइकाः। यदा अंतःकरणं एव मिथ्या तदा अंतःकरणगतं, अंतःकरणगता एव परमा सा अपि मिथ्या। वस्त्रगतः तंतुवत्, जैसे वस्त्र में मिथ्या है तो वस्त्रगत जो धागा है वो भी मिथ्या होगा, उसी तरह से अंतःकरण यदि मिथ्या है तो अंतःकरण में ही उठने वाली जो प्रमा है वो भी मिथ्या है। ये प्रमा ने बताया, ये प्रमा ने बताया कि अंतःकरण मिथ्या है और फिर स्वयं मिथ्या हो गई। इसको बोलते हैं जलम कतक रेणुवत। यदि इस प्रकार की जागृति हो जाए, इस प्रकार का बोध हो जाए, तो यह जो
अभिमानी करके बोल रहा था, इसकी स्थिति क्या होगी? जब अंतकरण ही नहीं है तो अभिमानी क्या? जिससे आपने अभिमान किया है वो नहीं है। जब वृत्ति मिथ्या है तो उस वृत्ति से अभिमान का क्या मतलब है? सो अभिमानी अपि मिथ्या भवति एव। अयमेव विसर्जनम्, यही क्या है? विसर्जन है, कर्ता का प्रभु में विसर्जन। क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान के बिना अंतकरणादि का मिथ्यात्व समझ में नहीं आएगा। स्वाधिष्ठान में कर्तृत्व का विसर्जन, भोक्तृत्व का विसर्जन, अभिमानी का विसर्जन, जीवत्व का विसर्जन, इसको कई बार बोलते हैं जीवत्व का भंग होना, कई बार बोलते हैं लिंग शरीर का भंग होना। भंग होना माने मिथ्या साबित होना, बाधित हो जाना। यदा मिथ्यात्वेन निश्चयम् भवति तन्निश्चयम् एव भंग शब्देन उच्यते। मिथ्या शब्द से, मिथ्या रूप से निश्चित हो जाना चाहिए। सो कर्तृत्व का विसर्जन, करोषि जुहोषि ददासि यस्नासि, एक क्रिया का विसर्जन तो अपने आप हो ही जाना है। अभ्यास काल में यह जो विसर्जन होता है वो भावना से होता है, मेरे प्रभु हैं और उन्हीं की प्रीति के लिए मैं कर्म करता हूँ, मेरे प्रभु हैं उन्हीं को भोग लगा करके भोग करता हूँ, तो तस्य प्रीत्यर्थम, तस्य प्रीत्यर्थम, ये भावना प्रगाढ़ करनी है। ये एक तरह का समर्पण है, एक तरह की भक्ति है। लेकिन जब जानत तुम्हें ही हो जाई, ये जब जीवत्व शेष नहीं रहता, समर्पण करने वाला शेष नहीं रहता, केवल अधिष्ठान मात्र की सत्ता सिद्ध होती है, वो संन्यास एव योगः तेन योगेन युक्तः आत्मा यस्य। संन्यास योग युक्तात्मा, यह जो योग है, रख देने का नाम योग है। कहाँ रखा? प्रभु में। किसको रखा? जीवत्व को। ये रखना ही योग है। तब वैसी ही स्थिति बनती है जैसे गंगा जी ने अपने को समुद्र में रख दिया। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, वही है ये संन्यास योग युक्तात्मा। समास का सौंदर्य है, बस उसको उस द्वार से इस शब्द में प्रवेश करो। नदी का नाम रूप समर्पण करके समर्पक बच गया, तो उसने क्रिया का समर्पण किया, स्वयं को बचाया। नदी जब समर्पण करती है समुद्र को तो स्वयं बचती नहीं, नाम रूपे विहाय। जब तक जीवत्व शेष है, भावना के बल पर जब हम समर्पण करते हैं
तो द्वैत भक्ति बनती है। मैं अलग रह जाता हूँ, दूसरा, द्वैत भक्ति में प्रभु एक और भक्त एक है, द्वैत भक्ति बनती है। वहाँ भावना का आनंद है, भावना का सुख है, बहुत सारे सुख हैं, लेकिन यहाँ तो द्वैत भक्ति का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो बस एक एव अस्ति, तब बोलते हैं विमुक्ता। और विमुक्त किससे हुआ? संसरण से मुक्त हुआ बोल सकते हैं, दुख से मुक्त हुआ बोल सकते हैं, जीवत्व से मुक्त हो गया। जीव रहते हुए भी कई बार हमको लगता है कि दुख से हम छूट गए, जीव रहते भी हमको लगता है कि हम चिंता से छूट गए। ये जीव रहते हुए छूटना वो क्षणिक है, जीव रहते हुए व्यक्ति निरंतर दुख में नहीं है, छूटता है, निरंतर श्रम में नहीं है, निरंतर चिंता में नहीं है, छूटता है। छूटता है वो तो ठीक है, लेकिन फिर आता है ना। सो एक सापेक्ष मुक्ति हुई, यहां ऐसा हुआ विमुक्ता सन माम उपैष्यसी। भगवान कहते हैं तुम एष्यसी उपएष्यसी, मेरे नजदीक आ जाओगे, मुझ में समा जाओगे। सो यान्ति मद्याजिनोपि माम यदुक्तम भगवता पूर्वश्लोके प्रतिज्ञारूपेण तदेव अत्र निगमयति। भगवान अब यहाँ पर उसका निगमन कर दिया, माम उपेष्यसि। अब इसमें भगवान के एक स्वभाव को प्रकट करने के लिए एक छोटा सा पूर्व पक्ष उठाया। क्या उठाते हैं? राग द्वेषवान्तर ही भगवान। भगवान अगर ऐसा है तो आप तो फिर पक्षपाती हो। राग द्वेषवान्तर ही भगवान, आपका भक्त के प्रति राग है और जो भक्त नहीं है उसके प्रति द्वेष है। क्यों भाई ऐसा बोला तुमने? ये तो भक्तान अनुगृह्णाति न इतरान। भक्तों पर अनुग्रह करते हो और क्यों भाई, और लोगों पर करते नहीं, तो विषमम, ये विषम व्यवहार करते हो। अब भगवान को ये कहलाने में बहुत मजा आता है कि मैं समदर्शी हूँ। उनको ये भी डिग्री पदवी उपाधि चाहिए, बहुत अच्छा लगता है उनको जब कोई कहता है, हैं, कि भगवान तो सम है। सम माने क्या? न्यायी है, निष्पक्ष है, उनके विवेक में कहीं कोई कालुष्य नहीं है। आप जानते हो विषमता का सबसे बड़ा दोष यही है, वो न्याय को कुंठित करता है, विवेक को प्रभावित करता है। हमारा विवेक किसी एक तरफ झुक जाता है, विवेक के नेत्र में दोष उत्पन्न करता है। कारण राग रागास्पद में दोष देखने नहीं देता, चाहे दोष होगा देखने नहीं देगा, तो एक आंख चली गई। और द्वेष, द्वेष में गुण नहीं देखने देता, उसमें कोई गुण नहीं है,
दूसरी आंख भी गई। तो जो राग द्वेष युक्त अंतःकरण वाला है, पक्षपाती है, ते अंधाः जनाः, विवेकतः ते अंधाः, नेत्रहीनाः, सत्यं द्रष्टुं न शक्नुवन्ति ते, ये लोग सत्य को देखने में असमर्थ होते हैं। अरे जब सीधा सीधा गुण को गुण नहीं देख पाते, दोष को दोष नहीं देख पाते, तो बाकी बारीक चीजों को क्या देखेंगे। तो भगवान, ए भगवान, त्वं राग द्वेषवान असि, भगवान को बहुत बुरा लगा। मैंने, आप समझते हो राग द्वेषवान कहने का मतलब क्या होता है? अविवेकी असि। ये ये कहने में एकदम से सीधा नहीं दिखता, लेकिन राग द्वेषी होने का मतलब है अविवेकी असि, अन्यायी असि। भगवान को तो ये बहुत बुरा लगा। बोले, क्या बात करते हो? बोले, मैं थोड़ो करता हूँ, बात तो आप ही कर रहे हो। मुझे तो केवल जो आपका श्रवण करने से जो मेरी समझ में आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तरही राग द्वेषवान भगवान यतो भक्तान अनुग्रह्णाति न इतरान। अच्छा, भगवान को तो समदर्शी कहलाना है, और ये भी कहलाना है कि मैं भक्तवत्सल हूँ। लो, अब ये जो है ना, हसब ठठाई है और फुलाऊ गालू, एक संग जरा गाल फुला के हंसो, कोई हंस के बताओ। गाल खूब फुलावे और फिर ठठा के हंसे, मुस्कराए नहीं, इससे नहीं काम चलेगा। हसब ठठाई, ये लिखा है, हसब ठठाई फुलाऊ गालू। जैसे दोनों ओर रसगुल्ला रखा हो, हाँ, ऐसे करके फिर हंस के दिखाओ। मैं तो कई बार बच्चों के मुंह में एक दो डाल दिया, फिर बोले हरिओम बोलो, वो अपना मुंह दबाते हैं, वो बोल नहीं सकते महाराज। और बोलना हो तो उनको मैं बगल में खड़ा करता हूँ, क्योंकि सामने में दिक्कत खतरा है, कहीं हमारा कपड़ा न खराब हो जाए। जब थोड़ा सा निगल लेते हैं, हरिओम ऐसे बोलते हैं। एक साथ दोनों नहीं हो सकता। भगवान से भक्त ने कहा, महाराज एक बात करो, या तो आप भक्त वत्सल हो, या तो आप समदर्शी हो। समदर्शी होंगे और फिर भक्त वत्सल होंगे, ये कैसे हो सकता है? भक्त पर जब आपके चित्त में वात्सल्य का उद्रेक होता है, तो ऐसा सुना जाता है कि आप प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे, ऐसा सुना है हमने, क्या प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। पितामह भीष्म के साथ किया महाराज ने, प्रतिज्ञा की थी शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और भक्त भी ऐसे, उन्होंने प्रतिज्ञा करी, ना मैं तो करवा के रहूंगा। आज हरि ही जौं शस्त्र न गहावऊं, तौं लाजऊं गंगा जननी को, संतन सुत न कहावऊं। ये प्रतिज्ञा करी महाराज, मेरी गंगा जननी को शपथ है, उनके दूध को मैंने शर्मसार किया,
लज्जित किया उनके दूध को, तो लाजो गंगा जननी को, संतन सुतन कहावो। अब बोलो टकरा गया मामला, तो भक्त का मान न टलते देखा। बोले भैया तेरी प्रतिज्ञा रह जाए, मेरी चली जाए तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा, मेरा तो रण में जीतने से भी ठीक और रण को छोड़ देने से भी ठीक, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। भीष्म तेरी तो पहचान ही है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा गई तो तू गया। भगवान भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, छल करते हैं। एक घड़ी पहले ही सूरज को छिपा दिया। बोलो ये क्या, ये एक किस किस न्यायालय का ये न्याय है बताओ भला, कौन बोलेगा कि ये न्याय है। देखा कि अर्जुन तो आज गया, ये प्रतिज्ञा करके बैठा है कि आज अगर जयद्रथ को सूर्य अस्त होने के पहले पहले न मारूं तो मैं दाह कर लूंगा अपना। एक घड़ी पहले ही अंधेरा कर दिया, शोर मच गया कि ओ हो अस्त हो गया सूरज, रात होने को आ गई, चिता सज गई और अर्जुन चला गया चिता में। भगवान ने कहा वीर जो है अपने शस्त्रों के साथ ही जीता भी है और मरता भी है, इसलिए गांडीव लेके तरकस लेके जाओ। ये किधर का न्याय है? तो दर्शक दीर्घा में जो सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए वो सब कौरव हुए और उसमें जयद्रथ सबसे आगे था। भगवान ने देखा ऐसे कुछ सिर हिलाया होगा या आंख हिलाई होगी, उनको तो क्या दिक्कत है, बस महाराज वो सूरज महाराज वहीं एकदम। बोले अर्जुन क्या देखते हो, शत्रु सामने है, मरवा दिया उसको। झूठ बोला बुलवाया द्रोणाचार्य को मारने के लिए। भीम को जाके कह आए कि आप कैसे मरोगे बताओ, ये भी कोई कहने की बात है, पूछने की बात है बताओ। द्रौपदी को भेज दिया 2:30-3 बजे रात को, वो महाराज गांधारी जाती थी सबसे पहले प्रणाम करने, उन्होंने उसकी पायल उतरवा ली कि चाल से शायद फर्क समझ में आ जाएगा इसलिए धीरे धीरे जाना। प्रणाम किया, बोले सौभाग्यवती बाबा। बोले आपने तो प्रतिज्ञा की है कल मारूंगा सबको। बोले कृष्ण किधर है वो बताओ, किधर है वो, किधर छिपा है वो। आए महाराज पितामह प्रणाम। बोले प्रणाम करता है, क्या चाहिए? बोले आप कैसे मरोगे, तरीका बताओ, ये बताओ। कदम कदम पर पक्षपात किया। तो भक्त वत्सल तो है ही है, लेकिन उनको मजा बहुत आता है जब कहता है आप समदर्शी हो। वाह, एक नंबर के झूठे को ये शौक लगा हो कि सब लोग सत्यवादी बोलें, तब उसकी इच्छा कितनी प्यारी है जरा सोचो आप। एक तरफ झूठ बोले हर तीसरे मिनट में और दूसरी तरफ इच्छा हो कि ना अहम सत्यवादी। तो ऐसा अगर कहलाना हो तो किसी ने किसी दुर्वासा ऋषि को बीच में दलाल बनाना पड़ेगा। गोपियों ने उनको दलाल कहा,
बोले इधर जमुना बैठी है उधर दुर्वासा, दोनों झूठ बोलते हैं। हैं जमुना जी में बाढ़ आई थी ना, तो गोपियां गईं उधर दुर्वासा ऋषि की सेवा के लिए, तो बीच में कैसे पार करें, तो कृष्ण भगवान ने कहा जमुना जी के सामने कहो कि अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो तुम जरा नीचे चली जाओ। वो चली गई नीचे, गोपियां आपस में देखती रहीं ये क्या है। फिर दुर्वासा ऋषि के पास गए, उनको सेवा करके वापस आ रहे थे, फिर जमुना बढ़ी। दुर्वासा ऋषि ने कहा जाके बोलो कि अगर मैं दुर्वा के अलावा अगर मैं कुछ नहीं खाता, कितना खाया था अभी अभी, इतना खिलाया गोपियों ने, और बोले दुर्वा के अलावा अगर मैं कुछ नहीं खाता तो जमुना शांत हो जाएंगी। बोले यही दलाल है, ये जमुना जो है ना उसको दुर्वा खिला रही है इनको। भगवान तो दोनों बोलते हैं, एक ही श्लोक में दोनों बात कहते हैं, अहम समह एक, दूसरा ये भजन्ति ते मई। बोले ये क्या तमाशा है, बोले ये तमाशा चलता रहता है, अनादि काल से चलता रहता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अहम समह, ये बहुत बढ़िया स्वभाव है परमात्मा का, यानी ये एक एंगल है मालिक साहब के स्वरूप को देखने का, ये एक कोण है। एक कोण से बिल्कुल साफ साफ समह है और दूसरे कोण से एक नंबर के विषम है, बस कोण का फर्क है। ये ऐसे ही है जैसे सूरज कहे मेरा उदय नहीं होता, न अस्ति उदयम मम, यस ठीक है, और फिर कमल से पूछा जाए कि आपका क्या कहना है, तो कमल क्या बोलेगा, स उदेति प्रतिदिनम, सएव मम विकास कारणम, वही तो मेरे विकास का कारण है। एक कोण है, दो कोण है, एक ही कोण से दोनों चीज नहीं दिखती, एक कोण से समह एक कोण से विषम, और बिल्कुल सही है वो। यहां तो भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु, अहम सर्वभूतेषु समः, ये तो मैं भगवान बोलते हैं। गोस्वामी जी के रामायण में राम जी ने कहा लोग कहते हैं कि मैं सम हूं, समदर्शी मोहि कह सबको, मैंने थोड़ो कभी कहा, अगर गलत साबित हो जाए तो लोगों को पकड़ना, मुझे मत पकड़ना, मैंने थोड़ो कुछ किया है। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति जो, जो अनन्य शरण है वो मुझे प्रिय है, खुला बोलते हैं सेवक प्रिय, वो मेरा सेवक है, वो मेरा प्रिय है, और लोग कहते हैं समदर्शी। लोगों ने भगवान को या तो जज बना रखा है और या तो कोई जड़ वस्तु बना रखा है, अग्नि सबके लिए बराबर है, पानी सबके लिए बराबर है, ऐसे भगवान भी सबके लिए, इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए बराबर है, हाँ वो पहचानती नहीं किसी को है कि ये बिल देने वाला है, हैं क्या कि कटिया लगा करके बिजली जला रहा है, वो थोड़ो वो तो नहीं जानती, ऐसा भगवान है क्या। अहम समह सर्वभूतेषु, हे अर्जुन
ये सच्चाई है कि मैं सभी भूतों के लिए समान हूं, सभी तो मेरे प्रतिबिंब ही हैं, उनके लिए मैं विषम कैसे हो सकता हूं। सबका तो मैं सुहृत हूं, सबके साथ तो मेरा अविना भाव है, बिंब के बिना प्रतिबिंब की कोई हस्ती बनती नहीं है। मैं तो सर्वाधिष्ठान हूं, अधिष्ठान का अध्यास के साथ कभी विरोध नहीं होता, बिल्कुल विपरीत अध्यास हो तो भी अधिष्ठान उसका निषेध नहीं करता। किरण और जल विरोधी हैं प्रायः, लेकिन किरण कभी जल का विरोध नहीं करती, तो इसलिए तो अहम समः सर्वभूतेषु समः, समस्त भूतों में समस्त भूतों के प्रति अहम तु समः एव। क्या अभिप्राय है आपका समः का, कि जैसे सारे घड़ों में मिट्टी समान है वैसे? बोले नहीं, वो नहीं, यहां कोई कार्य कारण संबंध की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां भक्त भगवान की बात कर रहा हूं। हर जगह समह का अर्थ वो नहीं ले लेना, मैंने अप्रकृत प्रसंग है। शादी के समय में श्मशान के गीत न गाना, और श्मशान ये होता है अप्रकृत प्रसंग का मतलब इतना ही होता है कि अब कोई मरा है और जा रही है अर्थी, और उस समय आप शादी के गीत गाने लगे, बधाई हो बधाई। अब बताओ, बधाई तो ठीक है, पीछे से पिटाई हो पिटाई वो छोड़ेगा नहीं कोई। प्रकरण के अनुसार चलो। तो प्रकरण तो भगवान और भक्त का है, तो भगवान साफ बोलते हैं अहम समह। लो मैं ही व्याख्या कर देता हूं, क्या है, न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय अस्ति, बस इतनी सी बात है। मेरा कोई द्वेषास्पद नहीं है और मेरा कोई प्रेमास्पद नहीं है। बोले बड़े निष्ठुर निकले यार आप तो, मैं सोच रहा था आप किसी से तो प्रेम करते होंगे, अब मेरी समझ में आया कि गोपियां बेकार में ही रोती रहीं फालतू में। बताओ भला, आपको जब तक काम था वहां रहे 11 साल तक, इसके बाद एक बार वहां से निकले, इसके बाद गए ही नहीं। दुनिया भर जबरदस्ती जो है प्रेम प्रेम की ढोलक बजाता है, अगर थोड़ा भी प्रेम होता नारायण क्या, तो आप मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है जनाब, कितनी दूर है, एक बार पलट के नहीं गया, जोरदार है। अब बोलो ये भी ठीक है बहुत मधुर है। अम्मा ये कह रही है वो गए ही नहीं, वहीं रहे वृंदावन में ही रहे, केवल मथुरा वालों को मिथ्या प्रतीति होती रही। ये वृंदावन वाले तो यही कहते हैं, वो कहीं नहीं गए, नित्य रास होता है, इसीलिए देर रात तक वो नाश्ता गाता है, इसलिए सुबह जो है 9 बजे उठाते हैं उनको। वृंदावन में जो भोग लगता है बाल भोग, 9 बजे आराम से सो के उठते हैं जनाब। श्रीनाथ जी के यहाँ 5 बजे 4:30 बजे महाराज ऐसा उठता है, रजाई वजाई लगाए हुए। मैं सर्दी के दिनों में गया था, बोले बच्चा है ना ठंडी लग रही है, अभी ब्रश भी नहीं किया है, बिना ब्रश किए 3 बाल्टी दूध पी जाता है और गटा गट बिल्कुल उसमें मिश्री डाली हुई
तीन चार बाल्टी तो हरिओम तत्सत उठते ही चाहिए जनाब को। एनीवे ठीक बात है, वृंदावन से तो गए नहीं ये सही है ये है भक्त वाला एंगल तो निष्ठुर है, निष्ठुर ऐसा लगता है। भगवान ने स्वयं कहा नमे प्रियः नमे द्वेष्यः अहम समः सर्व भूतेषु। लेकिन अर्जुन एक बात समझो, ये मेरा मेरा सत्य है, मेरी दृष्टि से बिल्कुल यही सच्चाई है, यही यथार्थ है, लेकिन भक्त की दृष्टि से बिल्कुल विलक्षण सत्य प्रकट होता है। क्या है वो? ये माम भजन्ति, कथम भजन्ति, भक्त्या भजन्ति, ये जनाः, ये भक्ताः, ये भावुकाः, ये शरणागताः, निर्भराः, ये जो लोग हैं ना, ये तो माम भक्त्या भजन्ति, वो तो मेरे में भरोसा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, सुबह स्नान भी मेरे लिए करते हैं और पत्ता तोड़ के लाते हैं। ये पत्रम पहले ही बोला ना, पत्ता तोड़ के लाते हैं क्योंकि फूल मिलता नहीं। नहीं नहीं, कहीं कहीं से मैंने देखा है ब्रह्मचारी लोग इसी बहाने टहल लेते हैं, आश्रम में ही टहल लेते हैं। एक ब्रह्मचारी जी ने मुझसे कहा कि मैं रोज टहलता हूँ। मैंने कहा कहाँ टहलते हो? बोले आश्रम में। मैंने कहा कहाँ से कहाँ तक? बोले अपने कमरे से डाइनिंग हॉल जाना पड़ता है, शाम को मंदिर तक जाना पड़ता है, फिर समाधि में नीचे, फिर ऊपर, ऐसे और तीन बार हॉल में आना पड़ता है। तो इस तरह से हो जाती है वॉक। हमने कहा शाबाश, ये ठीक है। एक दिन हमने शिवराम जी से कहा कि टहलना चाहिए, तो बोले वो सुबह मैं फूल तोड़ता हूँ ना टहल टहल के, वही मेरी वॉक है, ऐसे बोले वो। तो ये तो भजन करता है मेरा भगत, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, वो तो भजन करता है, मैं तो देखता हूं। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, फिर अपने कर्म भी अर्पित करता है, भोग भी अर्पित करता है। तो मेरा भक्त है, उसका अंतःकरण मेरे प्रति समर्पित है महाराज, उसके लिए क्या? ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मई ते, वो मुझ में रहता है। बोले बोले महाराज ये मुझ में रहता है का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उसको इस बात की निरंतर अनुभूति होती रहती है कि मैं संसार में नहीं रहता, सिद्धवाड़ी में नहीं रहता, वाराणसी में नहीं रहता, अमेरिका में नहीं रहता, यूरोप में नहीं रहता, कहीं नहीं रहता। मेरा जो अस्तित्व है वो प्रभु में है, मेरा जो व्यक्तित्व है वो प्रभु में है, मैं सांस लेता हूं उसी में, उसी की सत्ता में, उसी के संरक्षण में। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं हूं और वो नहीं है, ऐसा थोड़ो है। रण में, वन में, महल में, स्मशान में, दुख में, सुख में, संयोग में, वियोग में, जवानी में, बुढ़ापे में, ये सब क्या है?
ये भी एक बात है कि भक्त की ऐसी अनुभूति होती है, इसका मतलब है कि अगर मेरी ऐसी अनुभूति नहीं हो रही है तो रोना चाहिए कि कब कब ये समय आवेगा, कि जब मुझे लगे ही नहीं कि मैं जवानी में हूँ या बुढ़ापे में, मुझे लगना चाहिए मैं प्रभु में हूँ, बस आई मस्ट ब्रीद इन हिम, ये मेरा अनुभव होना चाहिए। मैं चलता हूँ उसमें, मैं बैठता हूँ उसमें, मैं सोता हूँ उसमें, जागता हूँ उसमें, बस। कोई देश काल द्रव्य परिस्थिति संयोग वियोग, परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो ते मई ते न अन्यत्र। श्री हनुमान जी को लोग कहते हैं भगवान छोड़ गए, छोड़ गए भगवान हनुमान जी को छोड़ गए, हनुमान जी वहीं रहते वो तो हमेशा मालिक साहब में उनका अस्तित्व है। लहर कहाँ रहेगी, समुद्र में रहेगी। ये तो हमारा जो वृत्ति है ना, एक लहर है, उसका अधिष्ठान चेतन ही है, अंतर्यामी से कभी कोई दूर नहीं हो सकता। अभिमानी की तो सत्ता ही नहीं है, अगर वो प्रतीति भी है तो उसी में है। ते मई, अगर अंतःकरणाभिमानी की प्रतीति भी हो रही है तो वह प्रतीति अंतर्यामी में हो रही है, अंतर्यामी से हो रही है। भिन्नता कुतः, कोई भिन्नता का कोई प्रश्न नहीं है। पश्यन्नात्मनि तुष्यति, यहां कोई वियोग वाली भक्ति थोड़ो है। ते मई, और आप बोले अहम तेषु, अहम अपि तेषु, मैं भी उन्हीं में रहता हूं। बोले महाराज आप उन्हीं में रहते हो, क्या मतलब है? आपने कहा था न चाहम तेषु अवस्थितः, कितनी बार तो इधर उधर बोलते रहते हो, हैं? साफ साफ बोला करो। बोले भाई तुम समझते नहीं हो साफ साफ, ये दिक्कत है। मैं जब कहता हूं मैं उनमें नहीं हूं, इसका मतलब है उनके अधीन नहीं हूं, यही बोला था ना, न चाहम तेषु अवस्थितः, भूतों की सत्ता के अधीन मेरी सत्ता नहीं है, लेकिन भूतों की सत्ता मेरे अधीन है। मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थितः। न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूं, माने उन पर अधीन नहीं हूं, लेकिन जब मैं कह रहा हूं मैं भक्तों में रहता हूं, उसका मतलब है ते अनुभवन्ति, किम अनुभवन्ति, मम हृदय प्रभु निवसति, खेलति वदति हसति। हाँ, उनको अपने हृदय में परमात्मा मुस्कुराता हुआ, खेलता हुआ, बोलता हुआ, हंसता हुआ, नाराज होता हुआ, हैं, प्यार करता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसी पागल वाली दशा है, प्रहलाद जी के बारे में परसों सुन रहा था मैं, उनको बैठे बैठे लगता था कभी कि वो कहीं दूर चला गया तो जोर जोर से रोने लगते थे, लोग देखते थे इनको क्या हुआ, और फिर उनको लगता था मिल गए तो इतनी जोर से हंसते थे। गायन विलज्जा, बिना लज्जा के गाते थे और नाचते भी थे जनाब,
कहाँ उनको मिल गया और छूट गया और बोल गया और खुश हो गया नाराज हो गया। हृदय भक्त की दिव्य स्थिति है, वो ज्ञानी भक्त है, जानता है मालिक कहाँ है। वो लीला चलती रहती है दोनों के बीच में, अपना खुश। खिलाड़ी दो हैं, एक मिथ्या एक सच, द्वा सुपर्णा। ऋतम पिबंत है ये तो छतरी न्याय न। ऐसी है श्रुतियों की कहानी, जब बन जाए जाने सोई जेही बनियाई। जानता है जिसकी बनने लगती है वो जानता है ये ऐसा ही सच है। लीला देखता है अभिमानी अपने प्रभु अंतर्यामी की लीला देखता है। और वो लीला दिखाती कौन है? भक्ति वृत्ति। अभिमानी अकेले नहीं देख सकता, ध्यान रखना। अभिमानी जब भक्ति वृत्ति से उपहित होता है, भक्ति वृत्ति से अनुग्रहित होता है, तो भक्ति माता उस अभिमानी को दिखाती हैं, बेटा ये देखो कैसा नाच रहा है। वो है ये माता ही दिखाती हैं। ये राधना वृत्ति ही, माने हम बोलते हैं राधा जी कौन है, बोले आराधना वृत्ति, वो ठीक है। जो आराधना वृत्ति है निश्चय है वो इस भक्त को, इस जीव को प्रभु तक पहुंचाती है। और यह निश्चय है कि जो प्रभु हैं वो आराधना वृत्ति से बहुत प्रेम करते हैं, तो जो आराधना वृत्ति है वो प्रभु की नायिका है, ये ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो उनकी प्रिया है, वो उनकी नायिका है, और नेचुरली आराधना वृत्ति का नायक तो कृष्ण ही है, अंतर्यामी ही है। आराधना वृत्ति किसी और का वर्ण तो करती नहीं। तो इस हृदय स्थली में रास होता है, ये ठीक है, ये मुनि की रीति है। ये रमण रीति है, रमण रीति। ये जो हृदय भूमि है ना, ये रमण रीति है। आराधना वृत्ति होवे तो रास होवे, बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या संदेह है। ये तो अपरोक्ष है, कोई भी देख सकता है। ये बात तो पकड़ में आनी चाहिए। इसको छोड़ के जब आप यूनिवर्सिटी वाली सीटी बजाने वाली बात करने लगते हो तब हम वहां से विरत हो जाते हैं। ये सब फालतू बातें नहीं। अन्यथा तो जारा नामी भगवान को फिर आप जो है कहीं के कहीं ले जाते हो, रूप बिगाड़ देते हो। परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वर, ये गड़बड़ करते हैं। मानुषीं तनुम आश्रितः, ये जब करते हैं तब गड़बड़ होती है। तब तो जिस भाषा में जिस भाव को द्योतित करने के लिए ऋषियों ने ये बातें कही हैं, भागवत जी में तो कहीं नहीं, भागवत जी में कहीं नहीं है वो वृत्त शब्द नहीं है। ये अनयाराधितः एक जगह शब्द है, अनयाराधितः। राधित शब्द का अर्थ देखो, ये राध साध, ये दोनों के दोनों, आराधना और साधना, ये दो अर्थ हैं उसके, एक ही साथ धातु पाठ जाके पढ़ना पाणिनि महर्षि का। राध साध, राध से राधना और राधते साधते, ये बनता है। तो आराधना वृत्ति करो बहुत अच्छी बात है। तो अनया अनया माने अनया गोपी कया, एक गोपी के साथ भगवान चले गए थे तो
तो उसके लिए कहा गया है। लोगों ने उसका अर्थ किया कि यही राधा जी थी। आगे वर्णन है भागवत में, उस गोपी को अभिमान हो गया। अब ये कोई कथाकार नहीं बोलेगा कि अभिमान हुआ राधा जी को। भागवत आपके हिसाब से थोड़ो चलती है। सो राधना वृत्ति उपहित जो चेतन है नारायण, अंतकरणाभिमानी है, भक्ति वृत्ति से अनुग्रहित, बस वो तो महाराज देखता है लीला को, उस लीला में रमता है, विहार करता है, निज प्रभु करके अनुभव करता है। कहां पर? अपने हृदय में। इसलिए तेषु अहम्, अन्येषु अपि अहम् अस्मि, किंतु ते न अनुभवन्ति। क्या करोगे आप? अस प्रभु अचत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। सो प्रगटत जिमि मूल रतन ते, नाम निरूपण नाम जतन ते। जब भक्ति करता है साधक, तो वही जो हृदयस्थ प्रभु हैं वो प्रकट होते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः। किम है? स्वात्मस्थमीश्वरम। ये ईश्वरम न पश्यन्ति, कुत्र स्थितम ईश्वरम? स्वात्मस्थम, ये बोलना चाहते थे। दूरस्थम नहीं, स्वात्मस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। ये सो तेषु अवस्थितम, कैसे बोलते हो नहीं हूं? तेषु चाप्याम, भक्त का सत्य ही है। इसका अभिप्राय है उसके हृदय में उसको वासना नहीं मिलती, राग द्वेष नहीं मिलता, चिंता व्यथा नहीं मिलती। वयम पश्यामः किम हृदय, हम लोग जब अपने हृदय में जाते हैं क्या देखते हैं? चिंताम अपरिमेयाम च वयम चिंताम पश्यामः। वहां चिंता नहीं, वासना नहीं, व्यथा नहीं, विक्षेप नहीं, कुछ नहीं। यदा जब भी वो अपने हृदय में देखता है, मालिक साहब वहीं लीला करते हुए दिखाई देते हैं। ये भक्ति का वैभव है, भक्ति का ऐश्वर्य है, भक्ति का परम अनुग्रह है। ये है हालत बना। और दुनिया, बोले दुनिया में रहता किधर है? ते मई गुरुदेव बोले कि एक बार वो भगवान जो है उसको ले जा रहे थे पीछे, बोले चलो तुम, हम पीछे पीछे चलते हैं। तो जब वो पहुंच गया तो उसने देखा कि पीछे पीछे चलते हैं, निशान देखना चाहिए, आया था कि नहीं आया था। तो लौट के गया, देखा उसने एक जगह निशान पैर के मिले नहीं, दो ही पैर के निशान थे। बोले यहां लगता है ये गायब हो गए जनाब। भगवान का आवाहन किया, पूछा महाराज आपने वादा किया था कि हम साथ साथ चलेंगे, और जब सबसे कठिन मार्ग आया, कीचड़ भी था
और गड्ढा भी था और सरक रही थी, लैंडस्लाइड हो रही थी। उस समय मैंने देखा वहाँ जो जमीन भीगी हुई जमीन थी ना, कीचड़ वगैरह था, तो वहाँ तो दो ही पैर का निशान था। असली मौके पर आप कहाँ चले गए थे? बोले मूर्खाधिराज, पहली पदवी यही दी, मूर्खाधिराज वो दोनों पैर मेरे थे। उस समय तो मैंने सोचा तू गिर जाएगा तो तुझको मैंने गोद में उठा लिया था। वो जो दोनों पैर का निशान देखा वो मेरे निशान थे ते मई है वो क्या? ये सच है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम। बोले अच्छा प्रभु, आपकी भक्ति का ऐसा वैभव है कि आप पक्षपाती हो जाते हो? बोले मूर्ख, मैं पक्षपाती बिल्कुल नहीं होता। पक्षपाती माने अविवेकी होता है गोस्वामी जी की चौपाई बोलता हूं, यद्यपि सम नहीं रागन रोषु। अनुवाद देखना, यद्यपि सम नहीं रागन रोषु, गहिन पाप पून गुण दोषु, तदपि करहिं सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा है। भगवान के पक्षपाती दिखने में जो हेतु है वो भक्त और अभक्त का हृदय है, प्रभु का स्वरूप नहीं। भगत अभगत हृदय अनुसारा तो विषम व्यवहार का निषेध नहीं है, लेकिन उस विषम व्यवहार का हेतुत्व प्रभु में नहीं है। विषम व्यवहार का हेतुत्व भक्त में है। भाष्यकार ने तो बहुत प्यारा अपना और वेदांत का ही पक्का पक्का चलाते हैं। उन्होंने कहा भाई अग्निवत अहम। देखो भाष्य, बोले मैं तो अग्नि हूं, पहले भी बोल चुके हैं शायद केनो परिषद में कहीं बोला हुआ है ना तो वो तो सत्य निर्धारण है उनका। तो भाव सत्य पर आधारित होना चाहिए। भाव का मतलब ये नहीं कि असत्य पर भी चले जाएं। नो नो नेवर। अग्निवद हम दूरस्थानाम यथा अग्नि शीतम न अपनयति। अब दूर कोई बैठा हो तो अग्नि उसकी सर्दी को दूर नहीं करती है। दूरस्थानाम शीतम न अपनयति समीपम उपसर्पताम अपनयति। और जो पास चला गया उसकी सर्दी को शीत को अग्नि दूर कर देती है, वो घोर सर्दी में भी खुश रहता है, आनंद से बैठता है। तो तथा अहम भक्तान अनुगृह्णामि न इतरान। भक्त मेरे सम्मुख हैं, मेरे समीप हैं, उनका हृदय उनका भाव उनकी सोच मेरे समीप है, हैं? उनका ध्यान मेरी ओर है तो उनको सर्दी नहीं लगती। सर्दी नहीं लगती मैंने संसार नहीं लगता, संसार का ताप नहीं लगता। जब वो मेरी ओर देख रहे हैं तो मैं उनको दिखूंगा ही। दूसरा आदमी जो विमुख है, अपनी सोच में विमुख है, भाव में विमुख है, ध्यान में विमुख है, क्रिया में विमुख है, तो दूर है, तो फिर कैसे वो हमारे को अनुभव करेगा? इसलिए ये किसी पर अनुग्रह है किसी पर नहीं है, तो भक्त सापेक्ष है, भगवान सापेक्ष नहीं है। मैसेज क्या निकला? मैसेज ये है भाई कि भगवान का फेवर तो हम सबको चाहिए। भगवान को सम रहने दो अपनी जगह पर, लेकिन जहां तक अपनी हालत है वी नीड हिज फेवर वेरी मच। ठीक, और ये उनके हाथ में है नहीं, थैंक गॉड।
उनका जो फेवर है वो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं है। किसके हाथ में है? सीधे मेरे हाथ में चाबी भी मुझको दे दी। कितनी करुणा है। चाबी दे दी माने तुम्हारा अंतकरण आराधना वृत्ति से उपहित करो, तुम्हारे अंतकरण को भक्ति भाव से भर के रखो। तो यह जो भक्ति युक्त हृदय है, भक्ति से अनुग्रहित हृदय है, भक्ति से भींगा हुआ जो हृदय है वो प्रभु से पक्षपात करवा लेता है। माने उसमें पक्षपात दिखेगा, होगा, उसको संसार ताप नहीं लगेगा और उसको अपने हृदय में केवल वासना की आंधी नहीं दिखाई देगी। उसको अपने हृदय में जरूर भगवान विहार करते हुए मालूम पड़ेंगे, ये है पक्की बात है। ऐसी है मेरी भक्ति। भागवत ने इसको रूपक बना दिया, बोले भक्ति देवी जाओ आप भूलोक में और मेरे भक्तों का उपकार करो। क्यों? बोले मैं नहीं कर पाता, ये मेरी समस्या है। क्यों? आप क्यों नहीं कर पाते? बोले आप तो मैं सम हूं ना, ये समस्या है। तो आप जाओ भक्तान भक्तों का अनुग्रह करो, उपकार करो। वो भक्ति देवी आई, उनके साथ मुक्ति को दासी बना के भेजा कि इनकी सेवा करना। मुक्ति भागवत जी में आया, भक्ति की दासी मुक्ति वो सेवा करती है, रोज पांव दबाएगी, सिर में तेल लगाएगी, पता नहीं क्या क्या करती है। जब लोग ढोंगी हो गए लिखा है तो भक्ति देवी बड़ी दुखी हुई, बूढ़ी हो गई थी और उसमें भी उनका छाया शरीर था, वो चली गई बैकुंठ फिर से। जब कोई सही भक्त मिल जाता था तब लौट के आती थी, ऐसे बोला है। एनीवे, तो अपने अंतकरण को भरना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, यदि मेरा भक्त अथवा कहे यदि कोई मेरी भक्ति से जुड़ गया है, भक्ति देवी उसके हृदय में पधार गई हैं, तो फिर समझो साधु है। बोले महाराज, बोले समझो कि वो साधु है, चाहे वो महादुष्ट हो। आज के दिन जरा पढ़ते हैं इसको, ये भक्ति का वैभव चल रहा है। जो भगवान को पक्षपाती बना दे, जो दुष्ट को साधु बना दे, हैं? क्षिप्रम धर्मात्मा बना दे, वो भक्ति है। अपिचेत सुदुराचार भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः सम्यक् व्यवसितो हि सः अपि चेत् यद्यपि सुष्ठु दुराचारः। बढ़िया सू लगा दिया ना भगवान ने, तो भाष्यकार ने भी सुष्ठु कर दिया उसका। सुष्ठु दुराचारः, सुदुराचारः माने क्या? अतीव कुत्सिताचारः। अपि भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग माने अनन्य भक्ति सन्न साधु एव। बोले महाराज ये तो भाई साधु एव,
सम्यक वृत्तः एव, साधु माने सम्यक वृत्तः, जिसका आचरण जिसकी रहनी सम्यक हो, ये सम्यक वृत्तः एव स मन्तव्यः ज्ञातव्यः। क्यों? आचरण तो उसका कुत्सित है, फिर कैसे माने? बोले वृत्ति बदल गई ना उसकी। सम्यक यथावत व्यवसितः ही अस्मात्, क्या व्यवसितः? निश्चय साधु, सो आचारः अपि साधु भविष्यति एव। साधु निश्चयस्सह, सम्यक व्यवसितः का अर्थ क्या किया? साधु निश्चय, साधु वो नहीं छोड़ना, सम्यक शब्द का अर्थ है साधु, साधु निश्चय, उसका निश्चय शोभन है, उसका निश्चय पवित्र है, और इसलिए वो पवित्र है। उसका निश्चय साधु है, इसलिए वो साधु है, ये बोलते हैं। तुम क्या समझते हो, आचार पवित्र होने से कोई साधु होता है? और अगर निश्चय गलत हो तो आचार प्रबल होगा कि निश्चय? आचार प्रबल कभी नहीं होगा, निश्चय। बाहर से किसी की दिनचर्या बहुत ठीक हो, इंटेंशंस मान लो, कभी इंटेंशन इतने अच्छे ना हो तो व्हाट विल यू से, साधु है? नो। अच्छा तो यही है कि निश्चय भी साधु हो, आचरण भी साधु हो, सबसे अच्छा तो यह है, मुख्य हो गया। लेकिन यदि आचार और निश्चय के बला बल का विवेक करना हो कि आचार बलवान है कि निश्चय बलवान है, तो भगवान तो कहेंगे निश्चय ही बलवान है। तपस्या, जप, भजन, यज्ञ, कितने भी पवित्र से पवित्र साधन करने वाले असुर हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ी बड़ी तपस्याएं की, बड़े बड़े जप किए हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन वो साधु नहीं बन पाए। कारण निश्चय दूसरा है। और अगर निश्चय बदला है तो अजामिल सरीखे लोग 80 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं, निश्चय बदला। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तो हरिद्वार जाके उसने साधना की और सालोक्य मुक्ति को प्राप्त हुआ, सारूप्य मुक्ति मिली उसको, अजामिल को। दुष्ट था, एक सत्संग सुना उन्हें, हेलुसिनेशन में कह लो, और उसका निश्चय बदला कि नहीं नहीं साधना का जीवन जीना चाहिए। एक निश्चय ने उसके सारे 60 साल के आचरण को दबा दिया। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया, अब उनका आचरण आप जानते हो। लेकिन थोड़ा सत्संग हुआ और विदुर जी के कहने से उनका निश्चय बदल गया। रात को धृतराष्ट्र निकल गए घर से, वृद्ध होने पर भी गांधारी के साथ निकले, हरिद्वार गए, सप्त सरोवर में साधना की, सदगति को प्राप्त हुए। ये दृष्टांत है ये। लेकिन जिन्होंने हजारों वर्ष पुराणों की भाषा में तपस्या की, भस्मासुर आदि ने, रावण ने, हिरण्यकश्यप ने, ये कभी साधु नहीं हुए। तप करने से साधु हुआ हो ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। साधु निश्चय से साधु हुआ है इसका दृष्टांत मिलता है। भगवान तो बोल ही रहे हैं, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। कल फिर हम आएंगे इस पर। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति, निश्चित है वो धर्मात्मा हो जाता है, वो भी बहुत जल्दी।
और उसका परिणाम यह है कि उसको शाश्वत शांति मिलती है, क्षणिक नहीं। हे कौन्तेय, इस बात को निश्चित जानो, प्रति जानी ही, निश्चित रूप से जानो। ये प्रति जानी ही शब्द मध्यम पुरुष में क्रिया है, प्रतिज्ञा भाषिका ने लिखा प्रतिज्ञाम कुरु। अब इसमें प्रतिज्ञाम कुरु भगवान की बात के लिए अर्जुन क्या प्रतिज्ञा करे, ध्यान जाता है इस पर। बोले अर्जुन निश्चित प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर हम अर्जुन होते तो हम जरूर कहते महाराज ये आप करो प्रतिज्ञा। क्यों अम्मा बताओ, दूसरे से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। तुम्हारी शपथ लेता हूं, अपने दुश्मन को बोले आदमी। नंद बाबा कैसे, इसका क्या मतलब भाई, प्रतिज्ञा करना हो तो खुद करे। ये तो टेढ़ी मेढ़ी बात करता है कन्हैया जी तो। हे अर्जुन, ये मध्यम पुरुष की क्रिया ने प्रतिजानी ही, त्वं प्रतिज्ञां कुरु न मे भक्तः प्रणश्यति। महाराज जी बोलते थे भगवान को डर लगता है कि अगर मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो टूट जाएगी, लेकिन अगर भक्त से प्रतिज्ञा करवाऊंगा तो मैं निभाऊंगा। देखो ये भी एक भाव है, क्योंकि पहले तोड़ चुके हैं। तो बोले इसलिए मेरी प्रतिज्ञा का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अगर तुम कर लोगे तो मैं मर के भी निभाऊंगा उसको, इसलिए तुम करो। प्रतिज्ञाम कुरु हे अर्जुन नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान को ये कहना पड़ा, सब भक्त मेरा एक बार हो जाए कोई तो परमार्थ मार्ग से कभी वो भ्रष्ट नहीं होता। ओ ओम पू